ओके भाई लोग, सो देखो आज के दिन आप लोग बात करने वाले कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जैसे कि ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर का जो सीजन 2 है वो हमें कब तक देखने को मिलेगा। एंड सच बोलूं तो भाई आज कोई मूड नहीं था वीडियो बनाने का, बट जब अभी मैंने थोड़ा देर पहले स्टूडियो अपना ओपन किया, यूट्यूब का स्टूडियो, अपना स्टूडियो नहीं, तो उसमें देखा कि काफी लोग भाई ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर के सीजन 2 से रिलेटेड पूछ रहे थे कि भाई एक्चुअली में इसकी अनाउंसमेंट कब होगी, क्योंकि एक्सपेक्टेड था कि आज के दिन इसके अनाउंसमेंट हो जानी चाहिए थी, बट उसकी जगह पर कुछ दूसरे कंटेंट के अनाउंसमेंट हो गए जो कि आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा हिंदी में। तो सभी लोग मुझसे पूछ रहे हैं कि भाई अगर आज नहीं हुए तो हमें कब तक इसकी अनाउंसमेंट सुनने को मिलेगी। एंड बस मैं सोचा कि चलो फटाफट मैं आप लोगों को अपडेट दे देता हूँ इस रिलेटेड कि अगर आप ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर सीजन 2 का वेट कर रहे हो, इसके सीजन 2 का वेट कर रहे हो, तो आपको ये कब तक एग्जैक्टली नेक्स्ट मंथ में देखने को मिल सकता है। एंड साथ ही साथ भाई एक दो और क्वेश्चन है जो कि बहुत ज्यादा मुझसे पूछे जाते हैं, एंड भाई उनसे रिलेटेड मेरे पास कोई जवाब ही नहीं है, तो मैं उन पर ज्यादा वीडियोज वगैरह में बात नहीं करता, बट फिर भी चलो मैं इस वीडियो में बात कर लूंगा, जिसमें जो पहला क्वेश्चन यही है कि भाई हिडन लव का एपिसोड नंबर 3 कब आएगा। सच बोलो तो भाई इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाई है, नहीं सी उम्मीद है कि इसकी जो हिंदी डबिंग का वर्क होगा वो अभी भी चल रहा होगा, क्योंकि भाई बड़ी सीरीज है एंड डबिंग होने में अच्छा खासा टाइम लगता है, तो आपको अभी और एक महीना वेट करना पड़ सकता है, एंड मोस्टली हो सकता है कि आने वाले मंथ में या फिर अक्टूबर तक आपको इसके आगे के एपिसोड देखने को मिल जाएंगे, अगर इसकी हिंदी डबिंग चल रही होगी। लेकिन अगर नहीं चल रही होगी तो भाई अब भूल जाओ इसको, आपका बस काट दिया गया है। दूसरी अपडेट जिस रिलेटेड भाई काफी लोग पूछ रहे थे आज मॉर्निंग से पूछ रहे हैं कि भाई माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन के सीजन 2 को कब तक एमएक्स प्लेयर पर ड्रॉप किया जाएगा। तो देखो एक चीज बता देता हूँ कि भाई जो इसके राइट्स हैं वो एमएक्स प्लेयर के पास ही हैं, एमएक्स प्लेयर वालों ने अभी रिसेंट में ही फिर से के ड्रामा से ड्रामा डालना शुरू किया है, तो थोड़ा सा वेट करो, आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई वो भी एक सॉफ्ट रिबूट ले रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म को लेकर के, तो धीरे धीरे चीजें अब उनकी इंप्रूव होंगी, क्योंकि अब जाकर के उनका प्राइम वीडियो के साथ टाई अप हुआ है। आप नोटिस करोगे तो जो मिनी टीवी के बॉलीवुड के जो शोज हैं वो मैक्सिमम अब उनके प्लेटफॉर्म पर डालने लगे हैं वो लोग, तो जैसे ही टाई अप पूरी तरीके से फुल फ्लश से ऑन हो जाएगा, उनके पास बजट आ जाएगा, ऑडियंस फिर से उनकी बन जाएगी, देन डेफिनेटली आपको माय गर्लफ्रेंड इज एन एलियन का सीजन 2 देखने को मिलेगा। लेकिन अभी भी आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि भाई उनके पास पैसे की बहुत ज्यादा कमी है, तो कहां से डब करा दें। लेकिन अब बात करें मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि भाई ग्योंग सॉन्ग का जो सीजन 2 है वो आपको कब तक देखने को मिलेगा। तो देखो आज उसकी अनाउंसमेंट होनी चाहिए थी बट नहीं हुई, उसकी जगह पर ऑफिसर ब्लैक बेल्ट नाम की जो किम वो विन की पिक्चर उसकी अनाउंसमेंट कर दी गई, जो कि आपको नेक्स्ट मंथ 13 तारीख को हिंदी में नेटफ्लिक्स के प्लेटफॉर्म पर ही देखने को मिलेगी। एंड भाई ये पिक्चर भी काफी ज्यादा क्रेजी होने वाली, क्योंकि इसमें आपको एक्शन कॉमेडी वगैरह देखने को मिलेगी। अभी मिशन क्रॉस नाम की एक पिक्चर आई है जो कि काफी बढ़िया थी, आपने अगर उसको देखा होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना, अगर नहीं देखा होगा तो रिव्यू वीडियो मेरा चेक कर लेना, काफी बढ़िया मूवी, आप देखना जो आपको मजा जरूर आएगा। तो उम्मीद करके चल सकते हैं कि ऑफिसर ब्लैक बेल्ट भी वैसी ही निकलेगी। लेकिन अगर टॉपिक की बात करें तो देखो ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर का जो सीजन 2 है वो आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा एज पर द नेटफ्लिक्स स्लेट, अगर उसमें भाई अपने मर्जी से चीजें चेंज नहीं करते हैं, जैसा पिछले मंथ किया था उन्होंने स्वीट होम और द वर्ल्ड विंड करके जो केडामा आया था तो उनकी चीजों को चेंज कर दिया था, अगर वो किसी दूसरे केडामा के साथ उसको चेंज नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली सितंबर के लास्ट वीक में ग्योंग सॉन्ग क्रिएचर का जो सीजन 2 वो देखने को मिलेगा। एंड जिसकी अनाउंसमेंट है वो आपको नेक्स्ट वीक 21 या फिर 25-27 के राउंड बीच में पकड़ के चलो, उसी के बीच आपको सुनने देखने को मिल जाएगी। द फ्रॉग आने वाला ना उसी के अराउंड ही आपको इसके सीजन 2 की जो अनाउंसमेंट है या पोस्टर है या टीजर है आपको झलक जरूर जरूर देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा पेशेंस रखो, तो उसके अनाउंसमेंट होने वाली है, काफी लोग भाई इस रिलेटेड पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलो एक वीडियो बना करके मैं आपको बता देता हूँ। उम्मीद करता हूँ जो मैंने आपको चीजें बताई वो आपके लिए हेल्पफुल रहे होंगे, तो वीडियो काम करते तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसी मैं फिर से मिलता हूँ, बाय बाय। और हाँ एक्सक्यूमा का जो रिव्यू है यहाँ पर चेक कर लो, काफी बढ़िया मूवी है।